इतना दन दे इतना दन दन और अत्याचार की ऐसी की तैसी जुन अरे दे इतना दन दे इतना दन दन और अत्याचार की ऐसी की तैसी जुन अत्याचार की जुन कौन देसु अत्याचार की जुन कौन देसु। तो फ्रेंड्स ये था अत्याचारी की ऐसी की तैसी चून सॉन्ग का टीजर जो कि काफी धमाकेदार लग रहा है बाकी के सॉन्ग्स के टीजर की तरह। तो फ्रेंड्स द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा बेस्ड मूवी है जो एक सत्य घटना पर आधारित मूवी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बताऊंगा कन्फर्म रिलीज डेट द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी की जो खुद रमेश टेटे सर ने बताई है कि कब तक रिलीज होगी द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी, कौन कौन से एक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे भीमा कोरेगांव मूवी में, कौन से यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा भीमा कोरेगांव मूवी का ट्रेलर, किसने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है भीमा कोरेगांव मूवी को और कौन से सॉन्ग हमें जल्दी देखने और सुनने को मिलेंगे भीमा कोरेगांव मूवी के। तो फ्रेंड्स इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो एंड तक देखिए और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दी चैनल। तो फ्रेंड्स बॉलीवुड में बन रही है एक और हिस्टोरिकल फिल्म जिसका टाइटल है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। तो आज तक हमने बहुत सारी बॉलीवुड की हिस्टोरिकल फिल्में देखी है पर ये फिल्म कुछ अलग है। तो आपके मन में ख्याल आया होगा क्यों ये फिल्म अलग है, तो इसके जवाब के लिए वीडियो एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स भीमा कोरेगांव एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा मूवी है जिसमें हमें बहुत सारा एक्शन इमोशन और हिस्ट्री में कैसे लोग मानते थे कि ऊंची जाति नीची जाती छूत अछूत जैसे खोखली मान्यता मानते थे तो इसी पर बेस्ड द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी है। तो फ्रेंड्स द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा मूवी है जो सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। 1 जनवरी 1818 की कहानी है जो भीमा कोरेगांव के भीमा नदी के पास हुए महायुद्ध की कहानी है जिसमें कैसे 500 महारों की सेना ने अपने आत्मसम्मान और अपने रिस्पेक्ट के लिए कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ज्वाइन की और फिर वो दिन आया 1 जनवरी 1818 तभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के बीच महायुद्ध हुआ जिसमें सिर्फ कैसे 500 महारों की सेना ने कैसे 28,000 की पेशवाओं को धूल चटाई। तो फ्रेंड्स इसी महायुद्ध पर बेस द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी है। तो फ्रेंड्स भीमा कोरेगांव मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है रमेश टेटे सर। बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी के कास्ट में है अर्जुन रामपाल, सनी लियोनी, दिगंगना सूर्यवंशी और अभिमन्यु सिंह। अर्जुन रामपाल और दिगंगना सूर्यवंशी हमें लीड रोल में देखने को मिलेंगे, अभिमन्यु सिंह हमें द्वितीय पेशवा यानी सेकंड पेशवा के रोल में हमें देखने को मिलेंगे और सनी लियोनी हमें नर्तकी के रोल में एक खबरी का रोल निभाते नजर आएंगी भीमा कोरेगांव मूवी में। तो फ्रेंड्स द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी का ट्रेलर रिलीज होगा यूट्यूब के रमेश थे फिल्म्स चैनल पर। और वही बात करें द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो फ्रेंड्स इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रमेश थेटे सर ने कुछ दिनों पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि कोरोना के तीसरे वेव के कारण इस मूवी के कुछ सीन्स शूट होने बाकी है और कोरोना के कारण ये मूवी अब थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पाएगी। तो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी अब 17 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी। तो ये थी एक सैड न्यूज द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी के फैंस के लिए। पर रमेश थेटे सर ने इस वीडियो में कहा है कि ये मूवी सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज होगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं रिलीज होगी द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी। शायद अभी ये फिल्म रिलीज होगी नवंबर या दिसंबर के मंथ में और तभी ही रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर और सॉन्ग। तो आप लोगों को कैसी लगी ये न्यूज और आप लोग कितना एक्साइटेड है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी और रंगीली रात का सॉन्ग के लिए हमें कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस अपडेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।